इस वक्त कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शिक्षक सम्मान समारोह में उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी बेसिक शिक्षा के मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री मोहसिन रजा जी, लाखन सिंह राजपूत जी, मनोहर पंत जी, अन्य मेरे सहयोगीगण, मान्य जनप्रतिनिधिगण, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार जी, सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती मनीषा त्रिखटिया जी, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा एवं निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण श्री विजय किरण आनंद जी, निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और प्रदेश के हमारे सभी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी सम्मानित शिक्षकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर, जिसे हम देश के द्वितीय राष्ट्रपति प्रख्यात दार्शनिक शिक्षाविद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर उनकी स्मृतियों को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मनाते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के समग्र विकास में अपना योगदान देने वाले उन सभी गुरुजनों को आज यहां सम्मानित कर रहा है। मैं इस अवसर पर उन सभी गुरुजनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बेसिक शिक्षा परिषद को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति एक बहुत बड़ा दायित्व तो है आप सबके ऊपर, और वह दायित्व तो इस बात का कि कोई भी बच्चा जब अपने परिवार से समाज के संपर्क में आता है तो सबसे पहला वास्ता उसका आपसे पड़ता है। परिवार में माता पिता के साथ रह करके उनके सानिध्य में जो कुछ भी वह सीखता है, जानता है, उसे तराशने की सबसे पहली प्राथमिक इकाई अगर कोई होती है तो वह हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है। प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, जिसका किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। देश के सबसे बड़े बोर्ड के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, सबसे पहले इस बात की आप सबको बधाई, और दूसरा कि विगत दो वर्ष ढाई वर्ष के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में जो नयापन प्रदेश के अंदर हुआ है और खासतौर पर बेसिक शिक्षा ने जो चीजें आज प्राप्त की हैं, आज उसका परिणाम है कि बेसिक शिक्षा परिषद को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से दीक्षा चैंपियन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद को हृदय से बधाई देता हूं, और जिन लोगों के कारण यह अवार्ड बेसिक शिक्षा परिषद को पहली बार प्राप्त हो रहा है उन सब का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। वास्तव में जीवन एक औपचारिकता नहीं हो सकती है,
और अगर हम जीवन को एक औपचारिक बना देना चाहते हैं तो मनुष्य और पशु में बहुत अंतर भी नहीं है। अगर हम मनुष्य हैं और इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, तो उसके अनुरूप आचरण उस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा भी हमसे की जाती है। और फिर अगर एक शिक्षक के रूप में हमें समाज के प्रति कुछ योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो सचमुच हमें अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य मानना चाहिए। याद रखना, एक बालक अपने साथ उसके जन्म से लेकर के और जीवन के अलग अलग कालखंड में उसके संपर्क और उसके संवाद के साथ जुड़ने वाले अन्य लोगों को विस्मृत कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है वह अपनी मां को और अपने प्राथमिक शिक्षा के साथ जुड़े हुए उन शिक्षकों को कभी विस्मृत नहीं करता है जिन्होंने उसको पहली बार अक्सर ज्ञान करने की प्रेरणा दी है। और उस बड़े अभियान के साथ आप सब जुड़े हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। बहुत सारे प्रश्न हम सबके सामने उठता है, लोग बोलते हैं जब हमारी सरकार आई थी बहुत सारे देश और दुनिया के बहुत सारे लोगों ने इस बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा का खर्चा बहुत ज्यादा है लेकिन इनपुट बहुत कम है। हमने कहा जो खर्चा हम कर रहे हैं हम उसी से अच्छा करके दिखाएंगे। और तब तो हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प की योजना प्रारंभ की थी। आज जब हम यहां पर जिन यहां पर शिक्षकों को हमने सम्मानित किया, प्रदेश के 49 ऐसे शिक्षक हैं, 49 में से 20 महिला शिक्षिकाएं हैं और 29 पुरुष शिक्षक हैं, यानी एक अभी अच्छी दिशा में ये प्रयास प्रारंभ हुआ है। पहली बार 17 से बढ़कर के 49 हुआ है और मैं मानता हूं अगली बार हम सभी 75 जनपदों में एक एक शिक्षक को ये सम्मान देने में सफल होंगे। इसकी दिशा में हमें अभी से प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि बेसिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा में सबसे अच्छा कोई हो सकता है तो महिलाएं ज्यादा अच्छी उसमें योगदान दे सकती हैं। और अगली बार से यह पुरस्कार पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा मिले तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर वे स्कूल नियमित रूप से जाएं तो। अगर वे नियमित रूप से जाएंगी तो बहुत अच्छे शिक्षक हो सकती हैं और उन उसके माध्यम से बहुत अच्छा करने और समाज की सुनियों को सुदृढ़ करने में बड़ी भूमिका का निर्माण आप जो कर सकते हैं। उस दृष्टि से आज मैं आपसे संवाद स्थापित करने के लिए विशेष रूप से यहां पर आया हूं, क्योंकि मैंने देखा है जब हम लोग अभी पिछले सप्ताह मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड या जितने भी बोर्ड थे इनसे जुड़े हुए मेधावी और प्रतिभावान छात्रों के सम्मान के लिए हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया था। मैंने उसमें देखा कि अच्छा अंक प्राप्त करने वाले जो मेरिट में आने वाले प्रदेश की जो मेरिटोरियस जो छात्र जो जो बच्चे इसमें मेरिट में पहले 10 स्थान में जिन्होंने प्रदेश में और जनपदों में स्थान बनाया है, बालकों की तुलना में बालिकाओं ने ज्यादा बनाया। उस सब के बावजूद जब एक रिजल्ट मेरे सामने अभी देखने को मुझे मिला तो मैंने देखा, मैं सोचता था कि हो सकता है कि 30 महिलाएं होंगी और 19 के आसपास पुरुष होंगे, लेकिन इसमें उल्टा था, पुरुष हाथ इसमें मार दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने सिफारिश कराई। मैं पूछ रहा था डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी से
ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पर बने हैं उसके बाद कुछ की आपने सिफारिश कर दी हो या कुछ अन्य प्रकरण का नहीं, एक मेरिट हमने तय की थी उसके अनुसार हुआ है। लेकिन मैं मानता हूं कि महिला शिक्षिकाएं इसमें बड़ा अच्छा रोल अदा कर सकती है और बहुत अच्छी भूमिका उनकी हो सकती है। एक योग्य गुरु के रूप में बेसिक शिक्षा परिषद में उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और उस दृष्टि से आज 20 पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। मैं मानता हूं अगले वर्ष ये संख्या और अच्छी बढ़ेगी और आने वाले समय में वे अपने कार्यों के माध्यम से अपने आप को साबित करेंगे। आज एक बहुत अच्छी दिशा में बेसिक शिक्षा परिषद आगे बढ़ रहा है, अच्छे कार्य किए हैं इसमें। भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी आज आपको दीक्षा चैंपियन अवार्ड भी उपलब्ध करवा है। स्कूल चलो अभियान ने विगत 2 वर्ष के दौरान अच्छा किया है। मुझे याद है जब हम लोग 17 में आए थे, हम लोगों ने जुलाई 2017 में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया था। जुलाई 2017 में हमारे पास 1,34,00,000 बच्चे थे। स्कूलों में अव्यवस्था ज्यादा थी, कुछ जगहों पर प्रॉक्सी टीचर की भी व्यवस्था थी, वो आते थे, बहुत सारे महापुरुष थे जो अपनी जगह में किसी और को भेज देते थे। लेकिन विगत 2 वर्ष के अंदर बहुत सुधार हुआ और सुधार का परिणाम है, मैंने देखा है स्कूलों में संख्या बढ़ी हुई है, बढ़ी है। आज 1,80,00,000 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में, यानी 1,80,00,000 बच्चे इस बात को साबित करते हैं कि देश के कई प्रदेशों की इतनी जनसंख्या नहीं होगी और दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी स्वयं की जनसंख्या इतनी नहीं है। जितना हमारे पास बेसिक शिक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या है, बालक बालिकाओं की संख्या है, और इसमें भी जो कार्य हुए हैं, मैं विधायक के रूप में जब मुझे पहली निधि मिली तो मेरे पास प्रस्ताव आया कि इसमें मैंने कहा एक काम करो, बेसिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में गोरखपुर महानगर में उन सब में फर्नीचर उपलब्ध करा दो, और हमने सब में फर्नीचर उपलब्ध करा दिया। मुझसे कुछ शिक्षकों ने मांग भी की थी। आज प्रदेश के हमारे अधिकांश बेसिक शिक्षा परिषद के जितने भी शिक्षा गण है वे हमसे हमारे साथ जुड़े होंगे और मैं उन सबसे कहूंगा ऑपरेशन कायाकल्प या शासन की कोई भी योजना ये सरकार की योजना मात्र ना बन जाए, आम जन की सहभागिता इसके साथ जुड़े और इस प्रकार के आयोजन को हमें एक जन आंदोलन के रूप में जन सहभागिता के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप अगर किसी जनप्रतिनिधि से कहेंगे कि हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, विद्युत के कनेक्शन की आवश्यकता नहीं भी हो, क्यों सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था के लिए भी आप उनसे अनुरोध करेंगे, कोई जनप्रतिनिधि आपको मना नहीं कर सकता, कोई आपको मना नहीं कर सकता। और हमें अपने विद्यालयों में यह व्यवस्था देनी चाहिए और इस वर्ष इसीलिए मैंने इस बारे में तय किया, जब हम लोग स्कूल चलो अभियान पहले अप्रैल में करना चाहते थे लोकसभा सामान्य निर्वाचन के कारण हम लोगों को उस समय अवसर नहीं मिल पाया, हम लोगों ने जुलाई में इसको प्रारंभ किया और मुझे अच्छा लगा हर जगह बहुत अच्छे ढंग से प्रभात फेरियां निकाली गई, घर घर संपर्क करके कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह जाए, इस कार्यक्रम को इस अभियान के साथ जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्रयास हुआ। याद रखना अगर कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित रहता है, निरक्षर रह जाता है, ये केवल उसी का दुर्भाग्य नहीं होता है, समाज का भी दुर्भाग्य होता है। शरीर का कोई एक अंग कमजोर रह जाता है तो शरीर दिव्यांग कहलाने लगता है। आप क्या चाहते हैं, समाज दिव्यांग कहे,
समाज की व्यवस्था अपने आप को परिपूर्ण दिखे, समग्रता का दर्शन उसमें हो, वह एक कार्य हम लोग शिक्षा के द्वारा विभिन्न समाज के विभिन्न तबकों को उसके साथ जोड़कर उसे जन आंदोलन बना करके इसे समग्रता के साथ आगे बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और याद रखना, शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान मात्र नहीं है, इसको केवल आप एक पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित मत रखिए। एक बालक और बालिका को उस व्यावहारिक ज्ञान से परिपूर्ण करें जो से जीवन की उन चुनौतियों से जूझने के लिए सदैव तैयार कर सके। जिन चुनौतियों से जूझते हुए अक्सर आप देखते होंगे, जो लोग जीवन से चुनौतियों से जूझने के लिए अपने आप को समर्थ नहीं पाते, वे अक्सर गलत कदम उठाते हैं, शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, और शॉर्टकट के रास्ते जब उन्हें सफलता नहीं प्राप्त होती तो वह पलायन का रास्ता अपनाते हैं, कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आत्महत्या जैसे कदमों को उठाते हैं। लेकिन याद रखना, अगर आपका बुरा समय है तो मान के चलिए कि धर्म चक्र है, अच्छा समय आने वाला है, और उसके लिए तैयार करने की प्रकृति आपको उससे जूझने के लिए प्रेरित कर रही है। कि हम जूझेंगे, तैयार होंगे, इससे घबराएंगे नहीं बल्कि इसका मुकाबला करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। जी हाँ, स्कूल में अव्यवस्था है, टीचर्स की मनमानी है, और कहीं ना कहीं जो स्कूल में तमाम तरह के तस्वीरें सामने आती हैं, कई छात्रों से झाड़ू लगवाई जाती है, मिड डे मील को ले